हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. हाउ आर यू? फाइन, ओके. बच्चों, आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं? आज हम आपके लिए इंग्लिश सब्जेक्ट में एक स्टोरी लेकर आए हैं. और ये आपको अब किस बुक में मिलेगी? ये है आपकी बुक का नाम, सॉन्ग्स राइम्स एंड स्टोरीज. ओके, सो प्लीज एवरीवन ओपन योर बुक. बुक में आप लोगों के लिए ये है पेज नंबर 1515. ओके, थीम 2 1515. और स्टोरी का नाम है द आंट एंड द एलिफेंट. ये स्टोरी है, किस किस की स्टोरी है ये? आंट मीन्स चीटी और एलिफेंट मीन्स हाथी. हाथी और चीटी की आपको ये स्टोरी हम आपको रीड करके सुनाएंगे. ओके, सो प्लीज एवरीवन लिसन टू मी केयरफुली. ओके, देखिए. वन देयर वॉज एन आंट हूज नेम वॉज चिंकी. एक चींटी थी जिसका नाम था चिंकी. ओके, एवरी डे सी वेंट टू द जंगल टू ब्रिंग फूड. वह प्रतिदिन कहाँ जाती थी? वह प्रतिदिन जंगल जाती थी क्या लेने? टू ब्रिंग फूड मतलब भोजन लेने के लिए वह जंगल जाती थी. एन एलिफेंट लिव्ड इन दैट जंगल. उसी जंगल में एक एलिफेंट रहता था. हिज नेम वॉज मोटू और उसका नाम था मोटू. ही वॉज वेरी नॉटी. वह बहुत ही शरारती था, बहुत ही नॉटी था. ही ट्रबल्ड एवरी वन और वह सभी को बहुत परेशान करता था. ही क्रश्ड द आंट्स अंडर हिज फीट. वह जितनी भी वहाँ की चींटियाँ थी उसे अपने पैर से रौंद देता था, कुचल देता था, है ना. दे वर वेयर आल वेरी वरीड. तो इस चीज से वह बहुत ही ज्यादा, वो जो सारी चींटियां थी वो बहुत ज्यादा चिंतित रहती थी. वन डे, एक दिन चिंकी वेंट टू द एलिफेंट एंड सैड. एक दिन चिंकी कहाँ गई? एलिफेंट के पास गई और एलिफेंट से कहा, हे मोटू, वाई डू यू बुल ऑल ऑफ अस. आप सभी को, हे मोटू, आप सभी को क्यों परेशान करते हो? क्यों सभी को आप लोग खूंद देते हो, धौंस देते हो, है ना. दिस इज नॉट राइट. ओके, यह सही नहीं है. यू शुड नॉट ट्रबल्ड पीपल लाइक दिस. और आप इस प्रकार से, आपको सभी को परेशान नहीं करना चाहिए. मोटू सेड टू चिंकी. मोटू ने चिंकी से कहा, हाउ डेयर यू टेल मी हाउ टू बिहेव. आपकी हिम्मत कैसी हुई मुझसे इस प्रकार से बात करने की? गेट लॉस्ट, यहां से भाग जाओ. यू टाइनी क्रिएचर, तुम अभी बहुत छोटे जीव हो. मोटू स्टार्टेड टीजिंग चिंकी. और मोटू ने इस प्रकार से चिंकी को चिढ़ाना चालू कर दिया. चिंकी फेल्ट वेरी बैड. चिंकी ने बहुत ही बुरा महसूस किया. सी डिसाइडेड टू टीच मोटू अ लेसन. और उसने डिसाइड किया चिंकी ने कि अब मोटू को सबक सिखाया जाए. वन डे व्हेन मोटू एलिफेंट वॉज स्लीपिंग. एक दिन जब मोटू एलिफेंट सोया हुआ था, चिंकी क्वाइटली एंटर्ड हिज ट्रंक एंड स्टार्टेड बीटिंग हिम. तो चिंकी बहुत ही शांति से उसकी सूंड में, किसकी? हाथी की सूंड में चली गई और उसने काटना स्टार्ट कर दिया. मोटू बिकेम वेरी रेस्टलेस. तो मोटू बहुत ही परेशान हो गया और वह परेशान होकर के ही पफ्ड एयर एंड ट्विस्ट हिज ट्रंक. तो वह उसने अपनी वो जो सूंड थी उसको फुलाना स्टार्ट किया, एकदम से एयर भर दी और वह सूंड को मोड़ने लगा, है ना. बट चिंकी डिड नॉट स्टॉप बीटिंग हिम. लेकिन चिंकी ने उसे काटना बंद नहीं किया. फाइनली मोटू स्टार्टेड स्क्रीमिंग इन पेन एंड आस्क्ड चिंकी टू फॉरगिव हिम. तो यह सब देख करके मोटू ने चिंकी को चिल्लाना चालू किया दर्द में और चिंकी से कहा, जल्दी से बाहर निकलो. चिंकी सेड, चिंकी ने कहा, होप यू हैव कम टू योर सेंस नाउ.
अब तुम्हें समझ में आया कि किस प्रकार से बाकी लोग परेशान हो रहे हैं। विल यू स्टॉप ट्रबलिंग पीपल नाउ? और अब तुम सभी लोगों को काटना या परेशान करना छोड़ दो। विल यू टीस अदर्स एंड कॉल देम नेम्स लाइक टाइनी क्रिएचर? और अब तुम सभी को परेशान करना छोड़ दो और उन्हें छोटा जीव समझना छोड़ दो। मोटू सेड, मोटू ने कहा, नो आई विल नेवर ट्रबल अदर एंड नेवर टीस एनीबडी आई प्रॉमिस। मतलब मोटू ने कहा कि नहीं, अब मैं कभी भी किसी को परेशान नहीं करूंगा, दूसरे लोगों को परेशान नहीं करूंगा और कभी भी उन्हें उनके ऊपर कभी भी चिल्लाऊंगा नहीं, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। चिंकी सेड, चिंकी ने कहा, देन इट्स ओके, अब ठीक है, रिमेंबर यू प्रॉमिस, तुम्हें हमारा जो प्रॉमिस है आपका वो याद रहेगा। चिंकी केम आउट ऑफ मोटूस ट्रंक, इस प्रकार से चिंकी मोटूस के ट्रंक से बाहर आ गई। नाउ ही बिकेम अ गुड एलिफेंट, और अब उन्होंने उसे कहा गुड। तो बच्चों, ये आपको स्टोरी समझ में आई? इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिली? इस स्टोरी से हमें यह सीख मिली कि हमें कभी भी दूसरों को छोटा नहीं समझना चाहिए, बेकार नहीं समझना चाहिए और हमेशा किसी को परेशान नहीं करना चाहिए और हमेशा एक साथ मिलकर के सभी के साथ रहना चाहिए। ओके, इस प्रकार से ये आज एलिफेंट और आंट की स्टोरी थी। ओके, सभी को समझ में आया स्टोरी? कैसी लगी स्टोरी आप लोगों को? अच्छी थी ना? गुड। तो बच्चों, आप लोग इस स्टोरी को ध्यान से सुनिए और फिर मुझे भी आप अपनी वॉइस में सुना करके भेजिए। ओके, थैंक यू।